नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फ्रेनेटिक के नए हॉरर गेम प्ले वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, तभी आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अपना गेम स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस वक्त रसिया के किसी वीराने से घर में कैद है, जो पुराने विश्व युद्ध के समय से ही बंद पड़ा हुआ है। मुझे लगता है दोस्तों कि ये कोई मिलिट्री बेस हुआ करती होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ देखता हूँ क्या है। एक लैपटॉप, क्या बात है दोस्तों। इसे स्टार्ट करने के लिए दोस्तों मुझे बिजली की सप्लाई ऑन करनी होगी। मेरे पास एक टॉर्च है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। ये कौन है? ओए मुन्ना, ये तो फ्रेनेटिक है। ओए भाग। हाय रे भैया, इसने तो हमारा गेम ओवर कर डाला। ओए मुन्ना, अब हम क्या करेंगे? ओए हे भैया, घबराने की क्या है बात, जब होगी आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा और मैं इस पागल फ्रेनेटिक के इस भूतिया वीराने से घर से भाग के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये खोला दरवाज़ा सामने से आ रहा है, मुझको भागनी होगी दोस्तों। तो चलिए इधर से भागूंगा, रुकूंगा नहीं दोस्तों, भागता ही रहूँगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। ओए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, तभी तो आपको शाउट आउट मिलेगा। ओए हाँ दोस्तों, प्लीज़ भैया की बात मानिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ है एक तिजोरी। चलिए मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये खुलती है कि नहीं। तो चलिए, मैंने इसे घुमाई और ये घुमाई चकरी, अंदर क्या है? क्या है ये? एक रिंच मिली है दोस्तों, मैं इसका क्या करूं? ओए मुन्ना, मुझे मालूम है कि इस रिंच का हमें क्या करना है। हे भैया, क्या करना है आप ही बताइए। ओए मुन्ना, यहाँ पे एक बाथरूम है जिसके वाश बेसिन में पानी जमा है, हमें वो पानी बहाना होगा। हे भैया, मैंने सामने से देखा, फ्रेनेटिक आ रहा था। ओए मुन्ना, इसी मौके का फ़ायदा उठा और जल्दी से चल बाथरूम में और वहाँ पे वॉश बेसिन का पानी तू खोल दे। ठीक है भैया, जैसा आप कहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यही है वो बाथरूम, मैं यहीं पे पॉटी करता हूँ। सीक्रेट बात है, किसी को बताइएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से ये पाइप खोलता हूँ, देखता हूँ कि अंदर से मुझको क्या मिलता है। एक पेन ड्राइव, क्या बात है दोस्तों, मुझको पेन ड्राइव मिली, लेकिन सामने से ही फ्रेनेटिक महाराज आ रहे थे, मुझको बच के भागनी होगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए जल्दी से भागता हूँ। फ्रेनेटिक मेरे पीछे है, इसलिए मैं दूसरे रास्ते से फिर वहीं जाऊँगा। ओए मुन्ना, सामने से वो अगर आ गया तो हमारा क्या होगा? हे भैया, वो हमारा सर फोड़ के चटनी बना देगा, पर अभी वो हमारे पीछे है। तो चलिए भैया, जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। चलिए भैया, और भी आगे चलता हूँ। यहाँ क्या है? चलिए भैया, सामने एक ड्रावर है, इसको मैं चेक करूँगा, जल्दी से खोलता हूँ। यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। ओए मुन्ना, नीचे के ड्रावर देख। हे भैया, मुझको येल्लो की मिली, लेकिन मैंने पेन ड्राइव फेंक दी, खैर बाद में जाके उठाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मुझको येल्लो की से येल्लो लॉक खोलनी है। कहाँ है येल्लो लॉक? एक काम करता हूँ दोस्तों, आगे देखूँ ये फ्रेनेटिक कहाँ है। अब इस कार के अंदर छिप जाता हूँ, थोड़ी देर में फ्रेनेटिक ज़रूर आएगा दोस्तों। वो आवाज़ सुन के आता है। ओए दोस्तों, हमने चाबी उठाई और वो पेन ड्राइव फेंक दिया था ना, वो चाबी उठाने वाली जगह पे गया होगा और उसके बाद वो हमारा पीछा करते हुए आएगा। ये देखिए दोस्तों, वो आ गया हमारे सामने। हे भैया, अगर हम कार में ना छुपे हुए होते ना तो हम टपक जाते, हमारा गेम फिर से ओवर हो जाता। दोस्तों सामने ही मुझको दिख रही है येल्लो लॉक, जो मुझको येल्लो की से खोलनी है।
ओए मुन्ना, फ्रेनेटिक के जाने का इंतजार कर, जब वो चला जाएगा ना तब हम ये लॉक खोलेंगे। हाँ भैया, देखिए वो जा रहा है, थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, यहीं से देखता हूँ। वो चला गया फ्रेनेटिक महाराज, तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए चल के मैं येलो लॉक खोलता हूँ जो है बिल्कुल सामने है। क्या बात है दोस्तों, ये खोला लॉक, ये खोल दिए मैंने उसके दरवाजे, और जगह इस कार में छिपता हूँ क्योंकि मैंने लॉक खोला था और लॉक के गिरने से शोर हुई थी, फ्रेनेटिक आने ही वाला होगा। ओए मुन्ना, फ्रेनेटिक बड़ी तेज चलता है, वो आवाज़ सुन के बहुत जल्दी पहुंच जाता है। हाँ भैया, उसके कानों में स्पीकर है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उसे हर चीज़ें सुनाई देती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आ जाते हैं, आज की आधुनिक दुनिया में भी ये हथौड़ा लेके घूमता है, इसे तो गन लेके घूमना चाहिए था। ओए मुन्ना, तू उसे सिखा रहा है क्या, अगली बार वो गन लेके घूमेगा फिर हमें दूर से ही टपका देगा, तू पागल हो गया है क्या। हे भैया, मैं तो बस कुछ उदाहरण दे रहा था आधुनिक युग की चीज़ें अपनाने के लिए, मैं फ्रेनेटिक को बोल रहा था वो पता नहीं कितने साल पुराना ये हैमर लेके घूमता है पागल कहीं का। ओए मुन्ना, वो कुछ भी लेके घूमे उसे हमसे क्या और हमें उससे क्या, उसके जाने का इंतजार कर और देख कि अलमारी में हमें क्या मिलता है। ओए हाँ भैया, चलिए जल्दी से बाहर निकलता हूँ, मुझको लगता है कि फ्रेनेटिक महोदय चले गए हैं, तो चलिए। फ्रेनेटिक आ गया है दोस्तों, वो वापस कैसे आ गया, चलिए मैं भागता हूँ यहाँ से। ओए मुन्ना, जल्दी से भाग और जाके देखना कि उस अलमारी से तुझे क्या मिलती है। ए भैया, जरूर कोई काम की ही चीज़ मिलेगी, आप टेंशन ना लो, मैं फ्रेनेटिक को गोल गोल घुमाऊंगा। अच्छा, फ्रेनेटिक मेरे पीछे। ओए मुन्ना, तू उससे नहीं डरता है क्या। ए भैया, मैं इस दुनिया में किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। ओए मुन्ना, तुम मुझसे भी नहीं डरता है क्या। हे भैया, मैं आपसे क्यों डरूंगा हूँ, मैं तो हूँ आपका दुलारा प्यारा भाई। हे भैया, देखिए मुझको एक पुरानी चाबी मिली है। ओए मुन्ना, मुझे मालूम है कि इस चाबी का हमें कहाँ इस्तेमाल करना है। ओए देख, फ्रेनेटिक आ गया, अगर हम कार में छुपने में देर हो जाते ना तो फ्रेनेटिक हमें मार डालता। ओए हाँ भैया, फ्रेनेटिक पता नहीं कहाँ से आ जाता है, वो गोल गोल घूमते रहता है, पर कोई बात नहीं भैया, हमारे पास एक पुरानी चाबी है और हम इससे दोस्तों एक पुराना बक्सा खोलेंगे, लेकिन फ्रेनेटिक के जाने का इंतजार। ओए मुन्ना, फ्रेनेटिक चला गया, अब तू जल्दी से निकल और इस पुरानी चाबी से पुराना बक्सा खोल। हाँ भैया, आप मुझको ना बताओ, मुझको सब मालूम है क्योंकि मैं हूँ मास्टर ब्लास्टर। ओए मुन्ना, अगर तू मास्टर ब्लास्टर है तो मैं तुझसे भी बड़ा खिलाड़ी हूँ। ओए मैं हूँ खिलाड़ियों का खिलाड़ी। हे भैया, आप कुछ भी बोलो लेकिन मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि आप बहुत बहुत लपेटते हो, लेकिन भैया आपकी बात मैं करना बंद करता हूँ क्योंकि आपकी बात अगर करने बैठ गया ना तो सुबह से रात हो जाएगी, लेकिन आपका लपेटना बंद नहीं होगा। ओए मुन्ना, मैं लपेटना नहीं हूँ, मैं सच बोलता हूँ, तुम लोग सब डरपोक हो इसलिए मेरी बातों का यकीन नहीं करते, तुमने जो सोचा भी नहीं होगा ना मैंने वो करके छोड़ दिया है। ओए हाँ भैया, मैं सब जानता हूँ कि आपने क्या क्या किया है और क्या क्या छोड़ा है, पर छोड़िए दोस्तों, भैया की बात मैं छोड़ देता हूँ और मैं फ्रेनेटिक के आने का इंतज़ार करता हूँ। ओए वरना फ्रेनेटिक क्यों नहीं आया। हे भैया, वो आए या ना आए, चलिए ना इसी बात पे मैं जाके जल्दी से इसमें गैसोलीन भरता हूँ, मुझको एक कैन मिली थी दोस्तों, तो चलिए मैं इसमें गैसोलीन भर लिया, अब चलिए दोस्तों मुझको एक जनरेटर चलानी है, तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए मेरे साथ। कहाँ है फ्रेनेटिक, कहाँ है, यहाँ छुप जाता हूँ और फ्रेनेटिक के आने का इंतज़ार करता हूँ। कहाँ है फ्रेनेटिक, आ जा मेरे सामने फ्रेनेटिक के बच्चे। ओए फ्रेनेटिक महोदय, हमारे सामने आने का कष्ट करिए। हे भैया, आप क्या स्कूल के प्रिंसिपल को छुट्टी का निवेदन लिख रहे हैं, देखिए फ्रेनेटिक महाराज आ गए।
ओए मुन्ना, यही है मौका। जल्दी से कार के बाहर निकल और जाके जनरेटर में गैसोलीन डाल और जनरेटर स्टार्ट कर, तभी हम उस लैपटॉप को चला पाएंगे। ओए भैया, चलिए जल्दी से दोस्तों, मैं भैया की बात सुन के जाके इस जनरेटर में गैसोलीन भरता हूँ। चलिए दोस्तों, ये भर रहा हूँ मैं गैसोलीन, ये भर दिया और जल्दी से मैं इसे स्टार्ट करूँगा। इसके बाद दोस्तों मुझको पेन ड्राइव उठानी है। आपको याद है ना कि मैंने पेन ड्राइव फेंकी थी येल्लो की उठाने के चक्कर में। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, मैं जा रहा हूँ वो पेन ड्राइव उठाने। ओए मुन्ना, ये क्या चीज़ है? ए भैया, ये जनरेटर स्टार्ट करने पे हुई है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्टर लगा हुआ है, पर इसकी चिंता छोड़िए। ओए मुन्ना, एक बात बता, तू रुक रुक के क्यों बात करता है? ओए देख, सामने से फ्रेनेटिक आ रहा था। भैया, मेरी रुक रुक की बात करने की आदत पर आप ध्यान न दीजिए, मैं रुक रुक के नहीं चलता हूँ, बस रुक रुक के बोलता हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं रुकूंगा नहीं और भागता ही रहूँगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, मेरे हाथों में है पेन ड्राइव और लैपटॉप भी अब ऑन हो जाएगा। तो चलिए जाके देखता हूँ कि लैपटॉप से मुझको क्या मिलती है। एक सेकेंड यहाँ देखता हूँ, फ्रेनेटिक तो नहीं आ रहा। यही है मौका दोस्तों जल्दी से जाके लैपटॉप ऑन करने का। ओए मुन्ना, तू काफ़ी होशियार है, तू ही लैपटॉप चला, मुझे तो लैपटॉप चलाना नहीं आता। हाँ भैया, मैं ही चलाऊँगा। ये लगाया मैंने पेन ड्राइव कंप्यूटर में और डिस्प्ले पे कुछ दिख रहा है, शायद ये सिस्टम रिबूट हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा लैपटॉप ऑन हो गया। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से फोल्डर्स चेक करता हूँ। ये क्या है? एक बॉम्ब। ये क्या है? पता नहीं। चलिए दोस्तों, ये भी पता नहीं क्या है, शायद बॉम्ब बनाने का डायग्राम। ये क्या है? 5654। दोस्तों मुझको मेन डोर की पासवर्ड मिल गई है। तो देर किस बात की है दोस्तों, यही है मेन डोर यहाँ से भागने का। चलिए इस पैनल में मैं पासवर्ड डालता हूँ। ये दबाया 5654, खुला गया दरवाज़ा? नहीं खुला, मैंने ओके नहीं किया था, ये किया ओके और दोस्तों खुल गया दरवाज़ा और मैं और भैया कर गए हैं यहाँ से एस्केप। ओए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।